तो हमने अब तक बहुत सारे नए डिजाइन को बना के उन्हें 3D प्रिंट किया है, लेकिन अब हमारे सामने एक बहुत ही नया और बड़ा चैलेंज है जिसे पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़ा है हमारे बंसोड़ी जी। एक मशीन ऑपरेटर थे, लेकिन एक फायर एक्सीडेंट की वजह से उन्हें उनके हाथ के 2 उंगलियों को खोना पड़ा। क्या हम इनकी मदद 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से कर पाएंगे? तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें सबसे पहले उनके उंगलियों के परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए, जहाँ पे हम 3D प्रिंट करने से वो उनके उंगलियों को परफेक्टली असेंबल हो सके। और हम यहाँ पे सिलिकॉन रबर मोल्ड का यूज करके उनके हाथ के डुप्लीकेट को बना दिया। तो इस प्रोजेक्ट का डिजाइन शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले हमारा फिंगर किस तरीके से वर्क करता है उसके वर्किंग मैकेनिज्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसके लिए हमने गूगल में कुछ सर्च किया और फाइनली हमने इन सारे डिटेल्स को नोट डाउन करके हमारे फिंगर का डिजाइन बनाना शुरू किया। तो हमने सिलिकॉन रबर की मदद से उनके हाथ के जो डुप्लीकेट को बनाया था उसी के मदद से हमने हर एक मेजरमेंट को परफेक्टली मेजर करके यहाँ पे कैडिया V5 सॉफ्टवेयर में इस मैकेनिज्म का डिजाइन बना रहे हैं। और यहाँ पे हमारे इस डिजाइन में हम किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को यूज नहीं करने वाले हैं। ये पूरी तरीके से मैकेनिज्म हमारे एक लिंक के ऊपर ऑपरेट होगा, जो आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा डिजाइन बनके रेडी हो चुका है। अब हम इस डिजाइन को हमारे फॉर्म लैब्स के एक्सपर्ट्स के साथ शेयर कर चुके हैं। बट जब आप डिजाइन की बात करते हैं, I'm sure अर्जुन जी हमें ज्यादा इसके बारे में डिटेल्स दे सकते हैं। शुभम जी, बहुत अच्छा लगा आपका प्रोजेक्ट देख के। मुझे दिख रहा है आपके डिजाइन में काफी फाइन फीचर्स है, जो FDM नोजल बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ करना अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि SLA में लेजर यूज होता है, हम ये सब छोटे फीचर्स बहुत अच्छे से बना सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं अपने 3D प्रिंटिंग में। और SLA में जैसे फॉर्म लैब्स है, उनके 40+ मटेरियल्स हैं, और जैसे आपको चाहिए स्किन फ्रेंडली मटेरियल्स भी अवेलेबल है, और आपको रबर लाइक स्मूथ पार्ट्स भी चाहिए जो थोड़ा कुशनिंग इफेक्ट भी दे, तो ये सब मटेरियल्स फॉर्म लैब्स के पास है और हम वो यूज करके आपका ये फिंगर है वो बना सकते हैं। जरूर आप आइए, हमारा सेंटर विजिट कीजिए। आप मुंबई हमारे साथ यहाँ पे आप आइए। SLA टेक्नोलॉजी के बारे में आज काफी लोगों को मिसकंसेप्शंस है, तो हम चाहते हैं आप हमारे साथ ये प्रोजेक्ट पे काम करें और सबके साथ इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करें। क्या आप SLA प्रिंटिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो? तो चलिए अब SLA प्रिंटिंग के बारे में डिटेल में जानने के लिए हम चलते हैं फॉर्म लैब्स इंडिया को विजिट कर। तो हम चले मुंबई हमारे फॉर्म लैब्स टीम इंडिया के साथ मिलके हमारे बंसोड़ी जी के इस मैकेनिकल फिंगर को SLA 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से 3D प्रिंट करने। और SLA 3D प्रिंटिंग के लिए फॉर्म लैब्स टॉप कंपनियों में से एक है, और SLA प्रिंटिंग का एक्सपीरियंस लेने के लिए उसे आपके साथ शेयर करने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए, तो हम आए हैं इमेजिनेरियम में, जो फॉर्म लैब्स का इंडिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, और यहाँ पे हमने इनके बहुत सारे 3D प्रिंट के सैंपल को ऑब्जर्व किया। ये जो आप फ्लेक्सिबल टायर देख रहे हो, इसे एक्चुअली फॉर्म लैब्स ने SLA 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से 3D प्रिंट किया है। और इसी के साथ दोस्तों, आप यहाँ पे इस देवी के मूर्ति के डिटेल्स को देखिए, कितनी बारीक डिटेल में ये SLA 3D प्रिंटिंग ने इस मूर्ति को बनाया है। तो हम इन सारे SLA 3D प्रिंट को ऑब्जर्व कर ही रहे थे, लेकिन अचानक से हमारी नजर इस मूर्ति पे आ गई, और ये मूर्ति दिखने में इतनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने 3D प्रिंट किया है जो हम यकीन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे सरस्वती माता का मूर्ति है, जो दोस्तों बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ पे 3D प्रिंट किया गया है। और इस मूर्ति को देखने के बाद हमें ये यकीन हो गया कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुली यहाँ पे 3D प्रिंट होके कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पे हमें कुछ 3D प्रिंट्स देख के डर भी लगा, ये शायद हमारा खोपड़ी है या हम इसे कौटी ऐसा कुछ कहते हैं, लेकिन ये भी पूरी तरीके से 3D प्रिंट किया गया है। और इसके बाद हमने कुछ SLS 3D प्रिंट्स को देखा, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा मजेदार थे। हमारे दोस्त को ये प्रिंट इतना बढ़िया लगा कि ये इसे घर ले जाके पूजा करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम और नेक्स्ट लेवल की 3D प्रिंट्स को यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक नया 3D प्रिंटर था, और वो दोस्तों ये है इंजन कास्टिंग, जो पूरी तरीके से मेटल से बना हुआ है, और वो भी 3D प्रिंटेड है। और इसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप डिस्कशन।
और जो जहाँ पे आपका सवाल आता है स्किन को टच होने वाले रीजन्स में जिसको सॉफ्टनेस चाहिए उधर हम इलास्टिक 50 यूज करते हैं और काफी फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट स्किन टाइप ऑफ फीलिंग आपके जो भी कस्टमर है प्रोस्पेक्टिव उनको मिलेगा। फॉर ऑलवेज क्रेविंग फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन 3D प्रिंटिंग इज अ नेचुरल चॉइस फॉर क्योंकि फ्यूचर के जो इंजीनियरिंग लीडर्स है वो आज का यूथ है ना, तो आज का जो यूथ का माइंडसेट है वो ऐसा 3D प्रिंटर बाजू में रहेगा। और फाइनली यहाँ पे हमारा ग्रुप डिस्कशन हो चुका है कंप्लीट, अब बारी है SLA 3D प्रिंटर। तो ये है फॉर्म लैब्स का फॉर्म 3B प्लस 3D प्रिंटर जहाँ पे आज हम हमारे प्रोस्थेटिक फिंगर को प्रिंट करने वाले हैं। सो अभी हम अपने फाइल को स्लाइस करेंगे। तो ये है फॉर्म लैब्स के एक्सपर्ट अलंकार जी जो हमने डिजाइन किया हुआ फाइल स्लाइस करके उसे 3D प्रिंट करने वाले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो SLA प्रिंटिंग कैसे चालू करता है। सो यहाँ पे हमारा 3D प्रिंटर है और ये हमारे पोस्ट प्रोसेसिंग है जहाँ पे आपके पार्ट्स वॉश होंगे और यहाँ के पार्ट्स यूवी क्योर होंगे। यहाँ पे हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो रेजिन होता है और हम लोग टफ 1500 रेजिन यूज कर रहे हैं जो बायो कंपैटिबल और स्किन फ्रेंडली है। हम हमारे स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर से ये प्रिंटर में पुश करेंगे हमारे स्लाइस फाइल एंड द प्रिंटिंग विल स्टार्ट हियर। तो यहाँ पे हमारे अलंकार जी ने प्रिंट को स्टार्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्चुअली यहाँ पे मैं ही कुछ देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन इसके अंदर हमारे लिक्विड रेजिन और लेजर के दोनों के मिक्सचर से यहाँ पे एक सॉलिड पार्ट क्रिएट हो रहा है जिसे हमने डिजाइन किया था। तो फाइनली यहाँ पे हमारा प्रिंट हो चुका है रेडी। अब इसके अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके बारे में हमें डिटेल में दिखाएंगे हमारे अलंकार जी। सो अभी हमारा पार्ट प्रिंट हो चुका है, मैंने यहाँ पे डोर ओपन कर दिया था। यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म को यहाँ से बाहर निकालेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे अपने पार्ट प्रिंट हो चुके हैं। अभी इस SLA प्रोसेस में हमें अपने पार्ट को वॉश करना पड़ता है IPA सॉल्यूशन से, वो एग्जैक्ट टाइम तक ही वॉश करना पड़ता है ताकि अपने पार्ट को डैमेज बना हो और कम टाइम में नहीं करना है ताकि आपके पार्ट्स में वैसे ही रेजिन स्टिक रहे नहीं। तो ये फॉर्म लैब्स का फॉर्म वॉश है, एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म रख देना है और जो भी मटेरियल में आपने प्रिंट किया रहेगा वो मटेरियल सिलेक्ट करके बटन दबा देना है। वो बटन दबाने के बाद ऑटोमेटिकली वो पार्ट को वॉश करेगा IPA रेजिन में और फिर पार्ट को वापस ऊपर जा जाएगा। वो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। सो अभी अपने पार्ट्स वॉश हो चुके हैं और अभी हम ये इसको प्लेटफॉर्म से निकाल देंगे। अभी हम इस पार्ट को क्योर करेंगे। तो कल हमने लास्ट इन दो पार्ट्स को प्रिंट किया था, तो आज है हमारा डे 2 और यहाँ पे हमारे सारे पार्ट्स लगभग प्रिंट होके कम्प्लीट हो चुके हैं। अब मैं इनके जो सपोर्ट है इस सपोर्ट को मैं खुद निकालना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस तरीके के SLA 3D प्रिंटेड पार्ट्स का सपोर्ट निकाल रहा हूँ। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, ये प्रोसेस उतना हार्ड भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने सपोर्ट निकाला है और इस सपोर्ट को निकालते समय हमें बहुत ही ज्यादा मजा आया है। अब दोस्तों इस प्रिंट की क्वालिटी देखिए, जो हमारा टफ 1500 मटेरियल का प्रिंट है आप इसे भी देखिए और इसी के साथ जो हमने फ्लेक्सिबल मटेरियल को प्रिंट किया है इसे भी देखिए। यहाँ पे हमने डिजाइन किया हुआ हर एक छोटा छोटा डिटेल एज इट इज प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे आपने SLA प्रिंट्स के क्वालिटी को देखा है। अब हम इन सारे पार्ट्स को असेंबल करेंगे वो भी हमारे स्टूडियो में। तो अब चलिए हम इन सारे पार्ट्स को लेके निकलते हैं। अब बारी है असेंबली के। हमारे इस फिंगर के मैकेनिज्म को असेंबल करने के लिए यहाँ पे हम कुछ इलास्टिक और कुछ थ्रेड्स को यूज करने वाले हैं जो हमारे इस फिंगर के वर्किंग मैकेनिज्म को प्रॉपरली रन कर पाए। और यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स को असेंबल कर दिया है और आप हमारे इस फिंगर का वर्किंग देख सकते हो। जिस तरीके से हमने डिजाइन करके इमेजिन किया था वो सेम एज इट इज यहाँ पे वर्क कर रहा है। और यहाँ पे हमारी क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है जब हमारा ये फिंगर हमारे बंसोड़े जी के फिंगर को असेंबल होगा और वो इस फिंगर की मदद से कुछ चीजें उठाएंगे तो हमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और अब हम चले हमारे बंसोड़े जी को सरप्राइज का। काका नमस्कार। और वो नमस्कार। इस फिंगर को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हुए और वो इस फिंगर को बहुत दिनों तक यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने यूज किया है स्किन फ्रेंडली मटेरियल। और इसका ट्रायल लेने के लिए वो उनके डेली लाइफ के कुछ चीजों को उन्होंने करके ट्राई किया और वो बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि वो इन सारी चीजों को बहुत ही आसानी से इस फिंगर की मदद से कर पा रहे थे। सब
और उन्होंने दिया हमें एक जादू की झड़की। अब हमें लगता है तो आप इस वीडियो को ऐसे बहुत सारे लोगों से शेयर कीजिए ताकि हम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से इनकी मदद कर पाए।